लेकिन और दूसरी तरफ हमारी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन जो वहां वर्क कर रही थी, तो अब जब गवर्नमेंट लेवल पर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए हैं, पर्सनल रिलेशंस हो गए हैं, और खासकर मिस्टर भंडारी जी आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि जो तस्वीरें अभी इस वक्त हम दिखा रहे हैं वही यूपीआई का ही हम जिक्र कर रहे हैं। रुपए कार्ड वहां रखा हुआ है और अपने आप में ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की और संभवतः उनके चेहरे के भाव भी ऋतु बहुत कुछ कह रहे हैं कि आखिर क्या ये हो गया। संभवतः अगर इस तरीके से वो भाव है तो ये जो पलक झपकते ही कैसे पेमेंट भारत में एक बड़ी एक सहज सी बात हो गई है और शायद कई मुल्कों में इतना आसान नहीं है और इसीलिए भारत के जो ये फिनटेक के प्रयास हैं आज दुनिया भर में उसकी स्वीकारता बढ़ रही है और ये एक टच और पैसा आपका स्वैप एक तरीके से ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे आज एक बड़ी शुरुआत हुई है और उस शुरुआत के बाद में दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जी हाँ, कई देशों की ऐसी स्टडी रही है जिसमें ये पता चलता है कि कई ऐसे विकसित देश हैं जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस में अभी भी पीछे हैं जिस मकाम को हासिल किया है भारत ने, क्योंकि यूपीआई भारत का एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरफेस है जिसने कई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत भी किया है, पर्यटकों के लिए सुविधा को बढ़ाया है, व्यापार करने की सुविधाओं को और बढ़ाया है और उसी एक तरह से उस पूरी लिस्ट में अब यूएई में जुड़ गया है। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि इस कार्ड ये कार्ड यूएई के राष्ट्रपति जी का है, उनका नाम लिखा हुआ है क्योंकि हिज एक्सीलेंसी और उनका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अल बिन जायद नाहयान के नाम से वो कार्ड है और उस पर फरवरी का दूसरा महीना और 2024 की